पीएम मोदी पर काशी विश्वनाथ मंदिर के मामले में पूर्व सीएम अखिलेश यादव की ओर से की गई टिप्पणी के मामले में कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक की ओर से बयान जारी करते हुए कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी पर अखिलेश यादव की ओर से अभद्र टिप्पणी की गई है, उससे लगता है कि अखिलेश यादव पूरी तरह से मानसिक तौर पर बीमार हो चुके हैं, जिसका खामियाजा आने वाले समय में उन्हें भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर दिया गया तुच्छ बयान कि प्रधानमंत्री उनको आखिरी समय पर काशी में रहना चाहिए, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। औरंगजेब की मानसिकता का पालन करने वाले यह लोग, जिन्होंने अपने पिता को ही गद्दी से उतारकर फेंक दिया हो, वो उनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से प्राचीन हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है, और अखिलेश यादव जी अपने समय मिलने पर केवल हज हाउस बनाते रहे, आज यही उनकी हताशा है कि आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भव्य काशी विश्वनाथ धाम का जो आज लोकार्पण हुआ है, आज उसी की हताशा में दिया हुआ इनका यह बयान है। ये पूर्ण रूप से मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता इनको जरूर जवाब देगी। ये भारत के प्रधानमंत्री जी का अपमान हम कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, और निश्चित रूप से हिंदू संस्कृति का भी अपमान।